नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन का निधन। 95 वर्ष के थे ग्लेन, लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। अक्साई चीन के नजदीक चीन की सेना ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। भारत पाकिस्तान समेत दूसरे कई देशों की सीमा से सटा है अक्साई चीन। सैन्य अभ्यास में चीन के 10,000 से ज्यादा सैनिक शामिल। पाकिस्तान को लगा झटका, वर्ल्ड बैंक ने रद्द किया $10 करोड़ का कर्ज। नेचुरल गैस एफिशिएंसी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाना था कर्ज। सोलोमन द्वीप समूह के तटीय क्षेत्र में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। 1000 द्वीपों वाला देश है सोलोमन। अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के तट पर महसूस किए गए तेज भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.5 रही तीव्रता। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। और नेपाल में संविधान संशोधन बिल को लेकर बड़ा बवाल। बिल के विरोध में विपक्ष और पुलिस के बीच झड़प, 21 कार्यकर्ता जख्मी, 70 गिरफ्तार। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।